So hello guys and welcome back to my channel. This is Flavan Biker from Amchi Mumbai and I'm back with my new vlog. So guys, aaj hai 8th of December and aaj hai Bharat Band. अपन फिलहाल के लिए तो ग्राउंड का जो नज़ारा है वो देखने के लिए निकले हैं और साथ के साथ मैं अभी काम पे भी जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो काम है, ओ भाई 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 भाई, भाई। ये क्या हो गया, इतना अर्जेंट ब्रेक कौन मारता है बे। तो भाई जैसे मैं बता रहा था, मेरा जो काम है वो है आई एम इन अ काइंड ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट फर्म एंड जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा फर्म है जिसमें 24/7 और 365 डे काम करना पड़ता है बॉस। तो लिटरली मैं दिवाली और न्यू ईयर के दिन भी काम कर चुका हूँ एंड इनफैक्ट 15 अगस्त को भी काम कर चुका हूँ। तो मेरा बेसिकली फॉर्म कुछ ऐसा है, तो कभी छुट्टी नहीं रहती है मुझे। तो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन है थोड़ा एसेंशियल इसमें आता है, तो इसीलिए अपने को जाना पड़ रहा है काम पे, बिकॉज वी आर इन एसेंशियल सप्लाईज। तो देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं, मतलब कोई अपने को रोकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये तो सारे बंद है, जो भी सोफार और फर्नीचर की दुकान है ये तो सारे बंद है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और रोज की हालत देख के मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी ऑफिस बंद है भारत बंद के दिन में। तो मुंबई में यूजुअली 1:30 इतना खाली रोड तो मैंने तो कभी नहीं देखा, तो काफ़ी लोग इसके समर्थन में है। ऐसी गाड़ियां तो भरपूर है, ज़्यादा है गाड़ियां रोड पे, और मुझे लगता है जो शॉप्स वगैरह है वो बंद है, लेकिन जो प्रॉपर वर्क प्लेस है ना वो चालू रहेगा। ओ माय गॉड, पोर्शे, भारत बंद और महाराष्ट्र बंद तो बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे जो हुआ करते थे वही हुआ करते थे, मतलब उनकी एक आवाज़ पे पूरा महाराष्ट्र और कम से कम 70% तो भारत बंद तो हो ही जाता था। 70 भी बहुत कम बोल दिया मैंने, 80% तो बंद हो ही जाता था पूरा इंडिया, और महाराष्ट्र में तो कोई निकल के दिखाए जिस दिन बाला साहेब ठाकरे ने बंद का ऐलान किया होगा। तो भाई कसम से, व्हाट पावर यार, कसम से कुछ अलग ही पावर था उनके टाइम का, और अभी भी वो दिखता है बस, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, उनके नाम पे पावर है, नाम में ही पावर है उनके। हाईवे पे पता चलेगा अगर पुलिस की नाकाबंदी रहेगी तो इंटेंसिटी पता चलेगी भारत बंद की इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि हाईवेज पे बहुत सारे अलग अलग एरिया से लोग आके एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हाईवे पे, तो वहाँ की इंटेंसिटी देख के पता चल सकती है कि क्या कितना सक्सेसफुल रहा है ये भारत बंद। मुझे यहाँ पे एक वैन दिख रही है, यहाँ पे एक वैन दिख रही है, थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं, बट दिस इज फॉर सेफ्टी आई गेस। हाईवे जो है खाली दिख रहा है एंड मतलब 90% ट्रैफिक नहीं है हाईवे पे यूजुअली जितना होता है, सो 90% अब तक तो ट्रैफिक नहीं दिख रही अपने को। बाकी आगे जो नाकाबंदी वगैरह रहती है तो उस पर देखते हैं क्या क्या चल रहा है वहाँ पे आगे।
तो ये है IIT पवई का एग्जिट, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45, और यहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक बहुत ही इंटेंस होता है, मतलब रुक रुक के चलना पड़ता है, इतना ट्रैफिक रहता है। तो अभी आज के लिए तो ये पूरा खाली है, तो यस वी कैन से दैट कि 90% है बंद, एंड 10 तक का जो भी एजेंशियल वाले बंदे हैं मेरे से, या फिर किसी को कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम रहेगा तो वो होंगे। तो ये है वो नाकाबंदी, यहाँ पे रोकाया जा रहा है, पूछा जा रहा तो है बट इतना नहीं है। ये तो भाई शॉक्स तो फुल ऑन है यार, यहाँ पे तो कोई असर नहीं है, लिटरली कोई असर नहीं है यार यहाँ पे। ऑलमोस्ट आई वुड से सारी शॉप्स चालू है यहाँ पे। ऐसा पता चलता है कि कई कई जगह पे बंद रखा गया है और कई कई जगह पे उसका असर नहीं है, तो एक मिक्स रिएक्शन हो सकता है। ये है एक्चुअल ग्राउंड रिएक्शन, ग्राउंड रिपोर्ट भारत बंद के दिन की। कहीं कहीं पे चालू है, कहीं कहीं पे बंद है, हाईवे पूरे खाली है, एरिया सच लाइक मलाड, मालवनी, बोरीवली, कांदिवली, ये अपन ने देखा कि काफ़ी हद तक बंद थे, बट एरिया लाइक मंदेरी ईस्ट ये काफ़ी हद तक चालू है। हाँ, तक अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है बस, और रियली थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग काफ़ी अच्छे से मेरे साथ जुड़ रहे हो। अभी वी हैव क्रॉस 280 सब्सक्राइबर्स, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।